जी जो आत्मिक स्थिति में रहता है उसे योगी कहेंगे या भोगी कहेंगे? भोग इंद्रियों से भोगा जाता है या आत्मा से भोगा जाता है? कैसे भोगा जाता है? देवताओं को कर्मेंद्रियों की याद आती है? आती है? नहीं आती है। जब कर्मेंद्रियों की याद ही नहीं आती है तो भोगी कहां से हुए? आत्मिक स्थिति में रहने वालों को तो योगी ही कहेंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहना माना तपस्या करना। देह से सुख दुख भोगे हैं, देह से पाप कर्म किए जाते हैं, तो विदेही बनना पड़े निष्पाप बनने के लिए। जब विदेही बनेंगे तो पाप होंगे ही नहीं। परंतु पूर्व जन्म के पाप भस्म भी करने हैं, इसलिए जो सदा विदेही है उसे विदेही बाप को याद करना पड़े। और याद भी दो प्रकार से है, या तो डायरेक्ट निराकार विदेही बाप को याद करें, या तो उस विदेही बाप को साकार में याद करें। जन्म जन्मांतर की जो प्रैक्टिस पड़ी हुई है याद करने की, वो प्रैक्टिस के आधार पर कौन सी याद सहज है? साकार में निराकार को याद करने की बात बहुत सहज हो जाती है। वो है सहज राजयोग। और जो सिर्फ निराकार को याद करते हैं उनको कठिनाई से मुक्ति प्राप्त होती है। जीवन मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति पाने के लिए सैम्बुल जीवनधारी का सामने रखना पड़े या निराकार सैम्बुल सामने रखना पड़े? किसको सामने रखना पड़े? जो जीवन धारण करने वाला है, जीवन में रहते भी निराकारी स्टेज धारण करता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाता है, वो सैम्बुल को सामने रखेंगे तो हम भी जीवन मुक्त बन जाएंगे। बाकी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स याद तो निराकार को करते हैं, क्योंकि साकार को पहचानने के लिए ज्ञान की गहराई चाहिए, वो गहराइयों में नहीं जाते, इसलिए उनके लिए कठिन है। फिर भी उनका मौत सहज होता है। फटाक से बम फटे और खेल
खलास। और भारतवासियों का मौत बड़ा कठिनाई से होता है, खून की नदियां बहेंगी। महाभारी महाभारत गृह युद्ध गाया हुआ है, इसलिए सहज राजयोग भी गाया हुआ है। ऐसे कठिन समय में निराकारी याद काम में नहीं आवेगी। कौन सी याद काम में आवेगी? साकार में, निराकार काम में आवेगा। और हाँ, में अभी केरला में अनंत पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में बहुत सारा निधि मिला है, इसका बेहद से क्या अर्थ है? अरे महीनों कब हो गए, कितने दिन हो गए इस वाक्या को, कितना टाइम हो गया? एक महीना हो गया अखबारों में निकलते निकलते। अखबार में उसी दिन दूसरे दिन आ जाता है और उसी दिन लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, तो जवाब मिल जाता है या नहीं? मुरली पढ़नी नहीं है, सुननी नहीं है। पद्मनाभ कौन है जिसकी नाभि में पद्म है? कौन से देवता का यादगार है? कौन बनता है विष्णु, किसका गायन है? है ब्रह्मा सु विष्णु। अब ये जो ब्रह्मा सु विष्णु बनता है, ये विष्णु कोई एक पैर है या दो पैर हैं? इनमें कोई गुप्त विष्णु भी है? प्रत्यक्ष विष्णु भी है? प्रत्यक्ष विष्णु कौन है? है जिसकी भुजाएं दिखाई जाती हैं, भुजाएं प्रत्यक्ष हैं या अप्रत्यक्ष हैं? प्रत्यक्ष हैं, परंतु भुजाएं अपने आप चलती हैं या कोई गुप्त चलाने वाला और है? भुजाओं को चलाने वाला कोई गुप्त में है और है। स्त्री में विष्णुगुप्त कहा जाता है। कैसा विष्णु? गुप्त विष्णु। गुप्त विष्णु। प्रत्यक्ष होना अच्छा है या गुप्त होना अच्छा है? चार भुजाओं को चलाने वाली आत्मा गुप्त विष्णु का पार्ट बजाने वाली है। तो पद्मनाभ कौन है? जिसकी नाभि में पद्म है। गुप्त है विष्णु पद्मनाभ है या प्रत्यक्ष विष्णु पद्मनाभ है? उसकी नाभि में पद्म है,
उसी नाभि से पद्म निकलता है। पद्मनाभ का मंदिर है ना, ये पद्मनाभ का मंदिर कहाँ बनता है? उत्तर भारत में विशेष प्रसिद्ध है या दक्षिण भारत में विशेष प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत में विशेष प्रसिद्ध है। तो कहाँ का पाटदारी है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में, जो दक्षिण भारत में विशेष मान्यता प्राप्त है, पद्मनाभ किसकी यादगार है? अरे कोई आत्मा है या नहीं है? कन्याकुमारी। अरे तक कुमारी कहाँ से कूद पड़ी? विष्णु की बात हो रही है। कुमारी विष्णु कैसे बनेगी? ये ब्रह्मा सरस्वती की यादगार है पद्मनाभ। लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता कब होती है? हैं? हाँ हाँ, क्या बोला मुरली में? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। ये नहीं कहा राधा कृष्ण का जन्म हुआ, क्या कहा? इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो जो लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, उनका आधार कौन था? ब्रह्मा सरस्वती ही तो आधार बने ना। तो उनकी नाभि कमल से ये पद्म निकला, वो पद्मनाभ हो गए। इन्होंने विधर्मियों को गोद में पाला, दक्षिण भारत भारत का विदेश है, जहां की रीत रसम रिवाज सब अलग है, भाषा भी अलग है। इसलिए ज्ञान मार्ग की गहराई को नॉर्थ इंडिया के लोग जल्दी पकड़ लेते हैं, अगर पकड़ना चाहें तो, लेकिन भारतवासी कौन सी नींद में सोए रहते हैं? कुंभकर्ण की औलाद हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। और भगवान को कौन पहचान लेते हैं, भारतवासी या विदेशी? विदेशी झट पहचान लेते हैं। तो मुरली में आज आया, कपिल मुनि के आश्रम में एक हादसा हो गया, सागर के बच्चे जल मरे। तो कहां से पैदा हुए होंगे? हैं? जहां कपिल मुनि का आश्रम होगा वहीं कहीं होंगे। वो जल मरे, तो फिर ज्ञान सागर बाप को आना पड़ता है अमृत जल छिड़कने के लिए कि सूर्य जीत हो जाएं।
तो बाप आते हैं सन 76 में, आधार बनते हैं लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को ही गुप्त विष्णु कहा जाता है। उस विष्णु के पार्ट पर सबको निश्चय हो जाता है या निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता है? तो गुप्त हुआ या प्रत्यक्ष हुआ, गुप्त ही कहेंगे। तो वो तो विष्णु गुप्त हो गया। उनका आधार है ब्रह्मा सरस्वती, वो भी विष्णु बनते हैं। चार भुजाएं दिखाई गई हैं विष्णु रूप में, ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती। तो पद्मनाभ की यादगार है दक्षिण भारत में, राजाओं को इतनी ढेर सारी धन संपत्ति बचा करके रखने की क्या दरकार है, वो भी छुपा के। प्रजा के काम में लानी चाहिए या दबा के रख देनी चाहिए? प्रजा के काम में लानी चाहिए। परंतु अगर बाल बच्चों से मोह है तो क्या करेंगे? अपने बाल बच्चों के लिए छुपा के रख देंगे, प्रजा बल भूख मरती रहे। तो ढेर की ढेर संपत्ति जमीन के अंदर छुपा के रख दी, ना अपने काम आई ना बच्चों के काम आई। किसके हाथ लग गई? भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के हाथ लग जाती है। ये परंपरा चलती है। एक होते हैं वो राजा हैं जो प्रजा को अपने बच्चा समझते हैं, ऐसे भी राजाएं हुए जिन्होंने अपने बच्चों को राजाई नहीं दी क्योंकि नालायक थे। प्रजा वर्ग में से जो लायक बच्चे थे उनको चुन करके राजाई दे दी। तो राजा का तो काम ही है प्रजा को अपना क्या समझे, अपना बच्चा समझे, अपने बच्चे को अपना बच्चा ना समझे लेकिन प्रजा को अपना बच्चा समझे। जन्म जन्मांतर के लिए भाग्य बनाने या बिगाड़ने की बात है ऐसे संस्कार। जन कल्याण के संस्कार, विश्व कल्याण के संस्कार अच्छे होते हैं, इसलिए दो वर्ग बन गए। एक जगन्नाथ और एक श्रीनाथ। श्रीनाथ किसको सपोर्ट करते हैं? सिर्फ देवात्माओं को सपोर्ट करते हैं। और जगन्नाथ चाहे देवता हो चाहे असुर हो सबको सपोर्ट करते हैं, सब आत्माएं हैं। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है।
किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। बिच्छू में डंक मारने का अपना स्वभाव भरा हुआ है। सर्प में अपना स्वभाव भरा हुआ है। बंदर में अपना स्वभाव भरा हुआ है। देव आत्माओं में अपना स्वभाव भरा हुआ है। परंतु देवताएं और देवताओं का राजा इंद्र स्वार्थी हैं या सदैव परमार्थी हैं? अभी भी शूटिंग क्या हो रही है? है? जो इंद्र बनने वाली आत्मा है, जो स्वर्ग में राज्य करने वाली आत्मा है, महेंद्र या इंद्र जिन्हें कहा जाता है, वो स्वर्ग के प्रति बुद्धि ज्यादा खींची रहती है या सारे संसार के कल्याण के प्रति बुद्धि खींची रहती है? है? किसके प्रति बुद्धि खींची रहती है? स्वर्ग के प्रति। नाम ही है श्रीनाथ, स्वर्ग का नाथ। इसलिए भक्ति मार्ग में देवताओं को भोगी स्वभाव वाला कहा गया है। वो बात संगम की यादगार है या सतयुग त्रेता की यादगार है? संगम की यादगार है। भगवान भले न मिले, मुक्ति जीवन मुक्ति इस जीवन में भले न मिले, क्या चाहिए? है? रोटी कपड़ा और मकान फर्स्ट क्लास चाहिए। किसको? जगन्नाथ के बच्चों को या श्रीनाथ के बच्चों को? श्रीनाथ के बच्चों को रोटी कपड़ा और मकान जरूर अच्छा चाहिए। भगवान को पहचान भी लेंगे, जान लेंगे, कोई कोई मान भी लेंगे, लेकिन सुख साधन संपत्ति छोड़ना उनको कबूल कबूल नहीं है। तो उसका अंजाम ये होता है जो केरला के मंदिर में हुआ। जगन्नाथ की पालना किस युग में मिलता है? जगन्नाथ की पालना किस युग में मिलता है? जगन्नाथ की पालना किस युग में मिलता है? किस युग में मिलता है? जगन्नाथ की पालना यहाँ मिलेगी ना संगम युग में? ब्रॉड ड्रामा? ब्रॉड ड्रामा में नहीं। जगन्नाथ जगत कब होता है? जगत 10 करोड़ 11 करोड़ को जगत कहेंगे या 500-700 करोड़ को जगत कहेंगे? कब होता है जगत? जब 500-700 करोड़ दुनिया की आबादी होती है। उस 500-700 करोड़ की दुनिया को सबको मौका मिले पुरुषार्थ करने का, सबके लिए रास्ता खुला हुआ हो, कोई भी आए आकर के पुरुषार्थ कर सकता है, रोटी दाल सबको मिलेगी। सभी नहीं लेते हैं ये उनकी इच्छा। इसमें जगन्नाथ की कमी है कोई? श्रीनाथ के भंडारे में तो जो पैसा देगा उसको भोग मिलेगा, पैसा नहीं देगा
तो असली घी का माल नहीं मिलेगा। अरे पुरुषार्थ करने के लिए दो रोटी सबको चाहिए या नहीं चाहिए? हैं? कि रईसों के लिए ही पुरुषार्थ है राजयोग का। जो गरीब कन्या है सरेंडर नहीं हो सकती, लाख दो लाख नहीं दे सकती, 150,000-20,000 नहीं दे सकती, दहेज नहीं दे सकती, उनको पुरुषार्थ करने का हक नहीं है। और 4.5 लाख आत्माएं हैं, 4.5 लाख आत्माएं हैं, भक्ति करते हैं तो पाप भस्म हो जाते हैं। पाप भस्म हो जाते हैं होता में लिखने के बाद। कमाल, प्रजा वर्ग वाली आत्मा है, पुरुषार्थ करती है। 4.5 लाख प्रजा वर्ग है या राज परिवार है? तो प्रजा वर्ग कहाँ पुरुषार्थ करता है जो पोता मिल लिखे? पाप करते हैं नंबर बार। ज्ञानी तो आत्माएं हैं सभी, अंत में सारे परिवार के सभी आ जावेंगे। बाबा ने तो वरदान दिया हुआ है एडवांस वालों को। क्या वरदान दिया है? तुम्हारा पूरा परिवार चलेगा। तो जब संसार में आवाज निकलेगी हम बच्चों की, तो हमारे जो परिवार वाले हैं लौकिक परिवार के लोग, उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। वो हमको घर से धक्का अभी नहीं दे रहे हैं, तो उस समय हमको धक्का देंगे क्या? कि सर माथे पर लगाएंगे? तो तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे या धीमा पुरुषार्थ करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए बोला है कि पहली पहली जो डायनेस्टी होती है उसकी प्रजा की भी कोई खसूसियत होती है। जैसे आसमान के 9 लाख सितारे आसमान में चमक मारते हैं, ऐसे ही ये 9 लाख सितारे हैं पहली पहली डायनेस्टी के, जो सारे संसार में ज्ञान की चमक मारेंगे। तो जो जितना ज्ञानी होगा उतना पुरुषार्थ करेगा या नहीं करेगा? करेगा। पुरुषार्थ भी करेगा। तो दुनिया की जो प्रजाएं हैं, दुनियावी धर्मों की जो फॉलोअर्स हैं, वो ज्यादा भाग्यशाली बनेंगे या पहली डायनेस्टी जो बाप आकर के स्थापन करते हैं उसके फॉलोअर्स ज्यादा भाग्यशाली बनेंगे? पहले डायनेस्टी के बहुत भाग्यशाली बनेंगे। बाकी ये नहीं है कि उनके सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। पाप कर्म सारे तो 8 के ही भस्म होते हैं या राजाओं के सबके भस्म हो जाते हैं? सब राजाओं के भी पाप कर्म भस्म नहीं होते। ने लिखा मुझे बुखार आ रहा है, प्लीज जल्दी क्लास स्टॉप करें। अरे बाबा ने कहा 106 डिग्री बुखार आ जाए तो भी क्लास करना है, है? बाबा के बच्चे इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? है? मानेंगे। अब भूत प्रेत होगा तो नहीं मानेगा, कहेगा हमको निकालो बाहर, हम नहीं क्लास करेंगे। बाबा ने बोला है पर चिंतन नहीं करना है, फिर भी करते हैं।
अब लिख के देने वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो लिखना ही बेकार हो गया। बाबा ने बोला है पर चिंतन नहीं करना है, फिर भी करते हैं और दूसरों को देखते हैं पर चिंतन करते हैं, दूसरों की सुनते हैं फिर उसका चिंतन करते हैं, तो उनकी क्या शूटिंग होगी? अरे बता तो दिया, पर चिंतन पतन की जड़, नीचे गिरते हैं। और बाबा सच्ची गीता खंड का जो पॉइंट नहीं बोलते हैं उसकी भी कोई शूटिंग होगी क्या? जो पॉइंट बोलना ही पसंद नहीं करते तो सुनना भी पसंद नहीं करते होंगे, और जो बोलना और सुनना दोनों पसंद नहीं करते हैं वो गीता पाठी ब्राह्मण कहे जावेंगे? नहीं, है? नहीं कहे जावेंगे। और गीता पाठी ब्राह्मण कौन बनते हैं? दूसरे धर्म के बच्चे गीता पाठी ब्राह्मण बनते हैं या बाप के बच्चे बनते हैं? जो बाप के बच्चे होंगे, असल सूर्यवंशी होंगे, वो तो गीता पाठी ब्राह्मण जरूर बनेंगे। क्लास के टाइम पर जो आपस में ही बातें करते रहते हैं उनकी क्या शूटिंग होगी? है वो टीचर का रिगार्ड करते हैं या डिसरिगार्ड करते हैं? टीचर का डिसरिगार्ड करते हैं। और जो टीचर का डिसरिगार्ड करते हैं तो उनका पद नीचा हो जाएगा या ऊंचा बनेगा? पद ही नीचा बन जाएगा। बाबा किसी के साथ सेवा की अच्छी भावना से रहना गलत है क्या? उसको लगाव कहा जाएगा क्या? सेवा की भावना सभी के साथ होती है या किसी एक के साथ होती है, दूसरों के साथ नहीं होती है? सभी के साथ होती है। सभी के साथ, सभी के साथ होगी। ऐसे थोड़े ही एक को पकड़ बैठ जाए और इसी के साथ सेवा की भावना है और दूसरों के साथ नहीं, वो फिर क्या साबित हो जाता है? लगाव, उसे लगाव कहा जाता है। लगाव की निशानी है न पहचान में आता हो तो पहचान लें, लगाव की निशानी है उस तरफ बार बार बुद्धि का झुकाव जावेगा, न चाहते भी बुद्धि बार बार उसकी तरफ झुकेगी, तो समझ लेना चाहिए हमारा झुकाव है, लगाव है। और ऐसी आत्माएं जिनका देहधारी के साथ लगाव या झुकाव हो जाता है वो ईश्वरीय सेवा के लायक नहीं रहती हैं, फिर ईश्वरीय सेवा से उनकी बुद्धि डिटैच होती जाती है, माया धीरे धीरे पकड़ती है, पता ही नहीं लगता
कि हम किस ओर जा रहे हैं। बाबा आकर देहधारियों की सेवा करते हैं या आत्माओं की सेवा करते हैं? आत्मिक स्थिति में रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी विशेष सेवा करते हैं। हमें भी किसके साथ रहकर सेवा करनी है? आत्माओं की सेवा करनी है, आत्मिक स्टेज देखनी है, और आत्मिक स्टेज में सब बराबर है, सबकी सेवा करनी है। नीचे गिरने वाला है उसकी भी सेवा करनी है, हमको प्यार देने वाला है न देने वाला है, दोनों की सेवा करनी है। हमको घृणाभाव से देखने वाला है उसकी भी सेवा करनी है। तब कहेंगे आत्मा से प्यार। बाबा जो गलती नहीं की है फिर भी झूठ इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम कर देते हैं, तो बाबा के पास रिपोर्ट कर देते हैं, तो उनकी क्या शूटिंग होगी? कहते हैं एक दिन धर्मराज के आगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो वो कब होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन लेट लेट होगा लेट होगा तो ब्याज सहित तो होगा कि बिना ब्याज के होगा? चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलेगा, तो घाटा किसका होगा? झूठी शिकायत करने वालों का घाटा होगा या जिनकी झूठी शिकायत की गई है उनका घाटा होगा? झूठी शिकायत करने वालों का बड़ा भारी घाटा हो जाएगा। बोल बोल बटंगा बोल। जो धर्मराज है और धर्मराज का काम करने वाले सूली पर चढ़ाने वाले या सूली पर चढ़ाने का काम करने वाले जो चांडाल हैं वो कड़क दिल होने चाहिए या नरम दिल होने चाहिए? है यही कनेक्शन है इस्लाम धर्म का और देवता धर्म की आत्माओं का। जो धर्मराज है वो धर्मराज की स्टेज पर बैठ करके किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा नजदीकी संबंधी क्यों न हो उसको भी वो छोड़ने वाला नहीं है। सबसे कड़क महकमा कौन सा होता है? जितने भी गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट होते हैं ना, रेलवे डिपार्टमेंट, सूचना डिपार्टमेंट, तो सबसे कड़क डिपार्टमेंट कौन सा है? मिलिट्री। हाँ हाँ, मिलिट्री में ही मार्शल लॉ होता है। तो कौन सा धर्म है जिस धर्म के लाज बहुत कड़े हैं? इस्लाम धर्म बहुत कड़क है। बात नहीं मानी फौरन गोली से शूट कर देते हैं। आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार चाहिए।
ये चार गुण नहीं है तो मिलिट्री में नहीं रह सकता। बाप कहते हैं तुम बच्चों की है रूहानी मिलिट्री, अभी है अंडरग्राउंड मिलिट्री, फिर ये अंडरग्राउंड बाहर निकल पड़ेंगे, मार्शल्ला होगा, मार्शल्ला का चीफ कौन है? शंकर चीफ है, तो अकेले ही सारी मिलिट्री संभालेगा या कोई सहयोगी बनेंगे? सहयोगी बनेंगे। उन आठ सहयोगियों में से एक है, क्या नाम बताया? धर्मराज। हाँ जी, ब्रह्मा का कामती पार्ट धर्मराज कहाँ है? हाँ जी, ब्रह्मा बाबा तो आठ में आता ही है। हाँ, उनका शरीर ही नहीं है, और मणके जो बनते हैं माला के, वो साकार में मणके गाए जाते हैं या सूक्ष्म बतन के गाए जाते हैं? साकार में चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, ब्रह्मा जो तामसी पार्ट सूक्ष्म शरीर, बिल्कुल प्रवेश करेगा, नहीं तो सबसे जास्ती प्यार किसने दिया है? ब्रह्मा ने। जिसने सबसे जास्ती बच्चों को प्यार दिया है, ऐसे ब्रह्मा बाप को जिन्होंने धोखा दिया है, अवज्ञाएं की हैं, बेवफाई की है, नाफरमानी की है, उनका हिसाब किताब कब पूरा होगा? जो सौ गुना हिसाब किताब चलता रहा है, शरीर तो छूट गया उनका, साकार में तो है नहीं, तो कोई निमित्त बनेगा या नहीं बनेगा? और निमित्त साकार में होते हैं या हवा में होते हैं? साकार में निमित्त चाहिए। बाबा, बाबा का कहना है धर्मराज मेरा राइट हैंड है। और क्या? राइट हैंड का मतलब क्या है? राइट हैंड माने इस राइट हैंड से ज्यादा काम लिया जाता है या लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम लिया जाता है? जैसे कि बाबा जैसे बोले वैसे करेगा। बिल्कुल। क्या लो, वो खुद ही नहीं करेगा तो दूसरों से कैसे करवाने के लिए दंड देगा? पहले तो खुद करके दिखाए, तब दूसरों के ऊपर गड्डी जमाए। और एक वाटर अपनी पॉइंट है, आठ में आठ की माला, 108 की माला और 16108 की माला में आने वाले सब 2004 के अंदर ही है, आ गए हैं, अभी जो भी निकलते हैं वो सब चर्चा बन चुके हैं। तो क्या हुआ, यज्ञ के आदमी नहीं थे वो? पिछले जन्म में जो अभी निकल रहे हैं नए नए, वो यज्ञ के आदमी हो सकते हैं कि नहीं? यज्ञ के आद में सिंध हैदराबाद में कितनी आबादी थी? उन सबको संदेश मिला था कि नहीं अखबारों के द्वारा? तो सारे 9 लाख की कैटेगरी में आ गए। और बाबा, एक ऋषि ने कहा है जो आदमी किसी भी कारण करेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, जो आदमी किसी भी कारण नहीं करेगा वो सोचित छोड़ेगा, फिर संकला वाला स्वर्ग में आएगा। कम गला वाला स्वर्ग में आएगा, माना कृष्ण के साथ जन्म नहीं लेगा, वहाँ कम कलाएं होती हैं क्या? कृष्ण के साथ जो जन्म लेंगे, सत्युग में राधा कृष्ण के साथ, प्रिंस प्रिंसेस के साथ जो जन्म लेंगे, वो 16 कला संपूर्ण नहीं होंगे? होंगे।
आपके बाबा जो पिछले जन्म में शरीर छोड़ा इसके कारण छोड़ा ना, उन लोगों ने आत्मिक किसी कारण नहीं किया, तो क्या हुआ? अब उन्हें पढ़ाई जा रही है ना, तो फिर वो लोग कैसे माला में आ सकते? माला में आने की बात कौन कर रहा है? माला में आने की बात थोड़ी हो रही है यहाँ। नौ लाख सितारों की बात है, जो नौ लाख सितारे आसमान में चमकते हैं उनमें भी दिन के 4.5 लाख सूर्य में अपनी रोशनी को मर्ज कर देते हैं। बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और अपने को गुप्त करते हैं, और बाकी 4.5 लाख अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। शिवो हम, ब्रह्मा ने क्या किया? शिवो हम कर दिया। तो उनके फॉलोअर 4.5 लाख क्या करेंगे? वो भी शिवो हम करके बैठेंगे। वो रात के सितारे हैं, चंद्रमा की रहबरी में पलते हैं, वो अपने को पहले प्रत्यक्ष करते हैं और बाप को गुप्त कर देते हैं। ब्रह्मा की दाढ़ी मूछ की लाज नहीं रखी। यहां भी ऐसे हैं, और बाबा का कहना है बाप का प्यार अंदर का प्यार और बाहर का प्यार बहुत भारी इतनी है कहा? हाँ जी। और दूसरी पॉइंट में कहा है जो करेगा वो पालेगा करे, हाँ? जो करेगा वो ही पालेगा करके बोला है, जो करेगा वो ही पालेगा। हाँ, क्योंकि बाबा और बाप को कहा है बाप लाहुल है और माँ लाहुल है। हाँ, तो फिर जो लाहुल है उनको दो प्रकार का प्यार दिखाने, दो तरफ का प्यार कहाँ हो गया? यही तो असली प्यार है कि जो करे सो पाए, जो सोचे सो पाए नहीं, जो बोले सो पाए नहीं। कोई कोई बहुत होते हैं सोचते बहुत हैं और करते नहीं है, कोई होते हैं बोलते बहुत हैं और करते नहीं है, कोई ऐसे होते हैं सोचते कम हैं लेकिन जो सोचा सो किया, जो सोचा सो बोलते भी हैं लेकिन बोलने के साथ साथ करते भी हैं। कोई ऐसे होते हैं सोचते भी नहीं हैं, जो ड्रामा में होगा हमें तो करना है, जो बाप का डायरेक्शन मिलेगा हमें तो करना है, सोचने करने की दरकार ही नहीं। करण करावनहार, कराने वाला कराए रहा है, हम तो गुड्डे गुड़िया हैं, जैसे चलाएगा वैसे चले। बाप को पहचानने के लिए सोचना, बाप मिल गया कि नहीं मिल गया? पहचान भी कैसे मिल गया उनको? बाप मिल गया कि नहीं? तो मिल गया। मिल गया तो सोचने की जरूरत है कि जो डायरेक्शन मिले सो करना है? बाप मिल गया तो सोचने की जरूरत है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। सोचने से ही ना मिला बाबा ने। वो मनन चिंतन मंथन करके ही तो बाप को पहचाना है, वो तो पहचान लिया ना। अभी जो पहचान लिया वो ही तो बच्चे हैं असली, जिन्होंने पहचाना ही नहीं वो तो असली बच्चे हैं भी नहीं। वो अंदर से महसूस होता है, बताने की बात, वो भी बताने की बात नहीं है। जो गुड़ खाता है उसको अनुभव होता है। बाबा उसका
पड़ता है क्योंकि बाबा ने बोला है, तुम्हारा मन जो बोलता है उसको मत मानो, बाबा जो कहता है उसको मानो। हाँ हाँ, कोई तो पूछ पूछ की पूछ वाले बहुत हैं, और कोई तो ऐसे होते हैं जिनको प्रश्न आता ही नहीं है। बताओ यहाँ ऐसे कितने बैठे हैं, हाथ उठाना, जिनको प्रश्न आते ही नहीं है। जो बाबा ने कहा सो सत्य वचन महाराज, जो बोले सो सत्य, सत्य अकाल। बताओ कितने ऐसे हैं जिनको प्रश्न ही नहीं आता, हाथ उठाओ। प्रश्न नहीं आते हैं बहुत है, तो फिर आता ही नहीं है, बैठे तो हैं, बैठे हैं लेकिन प्रश्न नहीं आते हैं। और कोई ऐसे हैं जिनको प्रश्न धड़ाधड़ जैसे कोई भूत पीछे लगा हुआ क्या समाधान नहीं मिला, बोल तो दिया। ये गूंगे का गुड़ है, बाप का अंदर का प्यार। बाबा भूत दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे थोड़े होते हैं क्या? भूत अच्छे थोड़े होते हैं, उनको कहते हैं फरिश्ता, और बुरे तो ढेर के ढेर हैं। उनमें प्रश्न नहीं हो सकता है इनको, अच्छे भूत जो 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 बुरे भूत है उन्हीं को तो प्रश्न उठते हैं। पूछ कहा जाता है देह अभिमान की पूछ। जो फरिश्ता होते हैं वो तो उनका रिश्ता ही नहीं है देह का, तो पूछ है ही नहीं। जो फरिश्ता होते हैं वो तो देवता बनने वाली आत्माएं हैं, उनको तो नंबर ही निकाल दो। पूछ वालों की बात करो। गोपाल कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। ये कोई बात नहीं है, अगर अंदर का प्यार कन्याओं के लिए और माताओं के लिए ही होता हो तो जो कन्याएं माताएं सरेंडर होती हैं उनमें से कोई नहीं भागेगी। कोई भागेगा फिर वही बात। अब यही तो मुसीबत है, जिनको वो गुड़ अनुभव होता है वो क्यों भागेंगे, जिनको अनुभव नहीं होता है वो भागते। क्या प्रश्न आया? है हाँ, साधन साधन बच्चों को सबको अपना है, साधन से परे हो गए। ब्रह्मा बाबा साधन से बच्चों को सब साधन अपना है। हाँ, साधन से परे हो गए। कहाँ परे हो गए? अरे घर और मकान ये पुरुषार्थ करने के लिए साधन है या नहीं है? क्योंकि कुटिया में जीवन, कुटिया, अरे कुटिया भी साधन है कि नहीं? कुटिया तो और बढ़िया साधन है। जब बरसात होती थी ओले पड़ते थे तो अंदर भाग जाते थे, कुटिया में बैठे रहते थे। साधु संत महात्मा है घर बार छोड़ते थे, जंगल में जाके रहते थे कुटिया बना के। अगर ओले पड़ते थे, पत्थर पड़ते थे तो घर में भाग जाते थे, वहीं रहते थे। घर में भाग जाते, घर में भाग जाते थे, कहाँ भाग जाते थे? वो सन्यासी तो फिर भी अच्छे थे। वो ब्रह्मा बाबा की बात कर रहा है कि बाबा ने त्याग किया, ना बाबा ने त्याग किया ना बाबा के बच्चों ने त्याग किया। उन्होंने तो अब और परंपरा डाल ली, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है और अच्छे से रहना है। संगम के रूप में, संगम में जो भी हम पाठ बजाते हैं, हाँ करते हैं, हाँ हम
बिल्कुल यहाँ बताया, जो यहाँ त्याग और तपस्या में रहेगा वो वहाँ सारी प्राप्ति करेगा। यहाँ त्याग नहीं करेगा तो वहाँ भाग्य नहीं बनेगा। यही मिलेगा 108 के अंदर, वो प्रूफ मिलेगा। वो अपने घर के पीछे बाल बच्चों के पीछे नहीं भागेंगे सरेंडर होने के बाद। भाग्य बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना, अभी पढ़ाने वाला कौन है, भूल गए है? अरे पढ़ाने वाला कौन है सो भूल गए, और पहला पहला पढ़ने वाला कौन है? साकार में रहे तो ना पढ़ाई का, साकार में हो या ना हो उनकी पढ़ाई चालू है या नहीं है? चालू है। और मुरली पॉइंट करते हैं उनको सूक्ष्म शरीर तब मिलता है जब पापमय भावना से शरीर छोड़ते हैं। जिसने पापमय भावना से शरीर छोड़ा ही नहीं, युद्ध में ढेरों को मार काट दिया और पीछे से आके किसी ने गर्दन उड़ा दी, तो अकाले मौत हुई या सकाले मौत हुई है? क्या कहेंगे? सकाले मौत। मौत तो अकाले हुई, लेकिन कौन सी भावना से हुई? भाव प्रधान विश्व रचि राखा, हर कर्म में भावना प्रधान है, कर्म वो ही है लेकिन भावना अलग अलग है, तो प्राप्ति भी अलग अलग हो जाती है। और बाबा पाप करने का दो कारण हो सकते हैं ना बाबा, एक अपनी स्वार्थ दृष्टि से पाप करना और दूसरी दूसरों के बहकावे में आकर पाप करना। दूसरों के बहकावे में स्वार्थ बुद्धि वाला आता है या परमार्थ बुद्धि वाला आएगा? बहकावे में भी वो ही आता है। और बाबा टीके वाले जो निराकार को याद कर रहा, उससे पूरा अपना भस्म पाप भस्म होता है और उससे शक्ति मिलता है, पूरा शक्ति मिलता है। फिर लोग अपना अनुभव कर रहे हैं ना, क्या अनुभव कर रहे? जो उनको लाइट का योग करते समय उनको ऐसा लाइट अनुभूति हो रहा ऊपर, बोले बीके वालों बोल रहा हूँ वो बोलते हैं ऐसा ऐसा बोल रहा, वो ऐसे बोलते हैं और तुम मान लेते हो, और बाबा ने मुरली वाला भारतवासी सुन सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। वो बोलते हैं और तुम स्वीकार कर लेते हो। वो बोलते हैं हमें भगवान मिल गया, हमारी भगवान से बातचीत होती है, भगवान हमें डायरेक्शन देते हैं और तुमने मान लिया, तुम उनको फॉलो करने लगे, तो दुर्गति होगी या सदगति होगी? क्या होगी फिर? अभी नहीं सुनना ना मानना, बोलते हैं तो बोलने दो, तुम्हें होता होगा सो हो, जो तुम्हें होता है वो हमको भी कराओ तो मानेंगे, नहीं तो हम मानने वाले नहीं है। पॉइंट सुना दो बाबा का, थोड़ा तो भस्म होता ना, फिर वही बात। अभी तो बता दिया निराकार की याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? जन्म जन्मांतर किसको याद करने की प्रैक्टिस पड़ी हुई है आत्मा को?
साकार को याद करने की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। बच्चा है तो माँ को याद करता है, वो भी साकार। बच्चा बड़ा हुआ, बाहर खेलने गया, दोस्तों को याद करता है, वो दोस्त भी साकार। स्कूल में गया, टीचर को याद करता है, टीचर भी साकार। बड़ा हुआ, प्रोफेसर को याद करता है, वो भी साकार। शादी हो गई, घरवाली को याद करता है, वो भी साकार। बुड्ढा हुआ, गुरु को किया, गुरु याद आता है, वो भी साकार। तो जन्म जन्मांतर साकार को याद करने की प्रैक्टिस पड़ी हुई है या निराकार को याद करने की प्रैक्टिस पड़ी है, तो कौन सा सहज है? साकार को याद करना सहज है। भगवान साकार में चाहिए या निराकार में आए और चला जाए, वो चाहिए। फिर चाहिए तो कुछ और बोलते, कुछ और महिमा, कुछ और करते। उनके बाप कैसे दर्शन होंगे बाबा? उनके बाप कैसे दर्शन होंगे? किनके? जो निराकार वाले वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे या सूर्यवंशियों में रहेंगे? तो पाप भस्म होंगे। ऊपर कैसे जाएंगे? ऊपर जाएंगे बाद में जाएंगे या पहले जाएंगे? सूर्यवंशियों के साथ साथ जाएंगे या इस्लाम वंशियों के साथ साथ जाएंगे? बौद्ध वंशियों के साथ साथ जाएंगे? क्रिश्चियन वंशियों के साथ साथ जाएंगे? किसके साथ जाएंगे? दूसरे दूसरे धर्म वालों के साथ जाएंगे। तो बाद में जाएंगे तो बाद में उतरेंगे या अब्बल नंबर का स्वर्ग का सुख भोगेंगे? बाद में उतरेंगे। हाँ जा तो रहे हैं, कोई सजा खा के जा रहे हैं और कोई योग बल से जा रहे हैं, तो अंतर नहीं है। कोई योग माने प्यार, प्यार शरीर के साथ पैदा होता है या बिंदी के साथ पैदा होता है? हैं? शरीर के साथ प्यार पैदा हो, शरीर से हमें भगवान मिला, हर संबंध से भगवान मिला। तो जो जितना ज्यादा प्यार से याद करते हैं, लगाव से याद करते हैं, उनके पाप जल्दी भस्म होंगे या औरों के जल्दी भस्म होंगे? भगवान को तो लगाव से ही याद करना चाहिए। याद से प्यार से याद है। प्यार शरीर से होता है या बिंदी से? प्यार काहे से? प्यार और नफरत दो चीजें हैं। प्यार का कारण प्राप्ति होती है ना। बिंदी से प्राप्ति होती है? बिंदी आई, ब्रह्मा के तन में आई, चली गई, प्राप्ति हुई, इससे प्राप्ति होती है। साकार में आकर के राजधानी बना के जाता है तब प्राप्ति होती है, या ऐसे ही चला जाता है, आया गाया बजाया धर्म पिताओं की तरह, आया राम गया राम और प्यार पैदा हो जाएगा? प्राप्ति हुई ज्ञान की प्राप्ति और सुख की। वो ज्ञान के घंटे बजाते रहोगे, ज्ञान के घंटे बजाने से मिल जाएगा। भगवान को किस लिए बुलाते हैं? आके पतित से पावन बनाओ या ज्ञान सुना के चले जाओ, किस लिए बुलाते हो? पतित से पावन, फिर भी समझाने वाला टीचर रहे तो है ना, ज्ञान भी समझ में आएगा। तो समझाने वाला भी समझा के गया ब्रह्मा के तन में, तुमने समझा? नहीं समझा तब तो यहाँ आके बैठे हो। वही कह रहा ना। तो वही तो कह रहे हैं, साकार में चाहिए कि नहीं चाहिए? साकार में चाहिए। तो साकार में टीचर बन के आता है तभी तो तुम समझते हो। तुम तो कहते हो बिंदी से समझ लेंगे, ज्ञान चाहिए। अब तो तुम पलट रहे हो बात। हाँ प्यार से प्यार होने से याद आता है। हाँ एक हाथ की नहीं बचती है, है? माने शिव बाबा भगवान बन के आता तो है लेकिन वो अपनी तरफ से प्यार नहीं करता है। ये इस बात का जवाब दो पहले। भगवान भगवान तो टाइटल ले लेता है भगवान बनने का, लेकिन भगवान किसी को प्यार नहीं करता। दूसरे बच्चे भगवान को प्यार करते रहते हैं, जैसे वीर नारायण।
भगवान के प्यार में और बच्चे के प्यार में एक आपकी काली वाली बात कितने आदमी के लिए क्यों नहीं आएगी? एक हाथ कमजोर है और दूसरा हाथ पावरफुल है। अभी हाथ ताली बजा रहा है अब दोनों हाथ पावरफुल हैं, ताली बजेगी नहीं तो नंबरवार हैं। ये बुद्ध रूपी हाथ सब नंबरवार हैं, सबके अंदर एक जैसा प्यार का पार्ट नहीं भरा हुआ है।